मॉर्निंग बच्चों, निकाल लीजिए 6th क्लास की हिंदी की बुक। देखिए हमारे इस लेसन में, लेसन कंप्लीट हो चुका था बहरूपिया। इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो भी कार्य करो ईमानदारी के साथ करो, किसी भी कार्य में आप लीन हो, किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो, उस कार्य को किस रूप में करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए, कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से इसमें बताया गया है। इसमें हमारा लेसन कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन आंसर है, शब्दार्थ आपने कर लिए होंगे, लिखे भी होंगे, याद भी किया होगा। क्वेश्चन आंसर देखिए, ये आपको नोटबुक में करना है। पहला है बहरूपिया शब्द का क्या अर्थ है, बहरूपिया शब्द का क्या अर्थ बताया गया है। देखिए इसमें निकाल लीजिए लेसन के स्टार्ट में 10th पेज नंबर पे फर्स्ट लाइन है, बहरूपिया अर्थात छदम वेश धारण करने वाला। इसमें लगा लीजिए यहाँ से, बहरूपिया अर्थात छदम वेश धारण करने वाला बताया गया है। बहरूपी का अर्थ क्या बताया गया है, छदम वेश धारण करने वाला बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बहरूपिया किस किस का रूप बनाता है। 10th पेज नंबर पे देखिए, ऊपर से 3rd वाली लाइन में देखिए, ये कभी कभी धोबी, कभी डाकिये आदि का रूप धारण करता है। इसके अंदर जो बताया गया है आपको वही लिखना है। लगा लीजिए यहाँ पे दूसरे का, ये कभी धोबी कभी डाकिये का आदि का रूप बना लेता है। कौन? बहरूपिया। बहरूपिया अपनी वास्तविक छवि को तो छिपा लेता है, लेकिन दूसरी छवि को उजागर करता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लगा लीजिएगा, 3rd लाइन में है, 3rd लाइन से बीच में से देखिए, ये कभी धोबी कभी डाकिये आदि का रूप बनाकर आते हैं, यहाँ तक लगा लीजिएगा। 3rd वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या आपने कभी कोई बहरूपिया देखा है। गांव में तो अधिकतर अभी भी आते हैं, देखा होगा, जिसने नहीं देखा उसने वो बोलना नहीं लगाया, नहीं देखा है, और जिसने देखा है वो लिख दीजिएगा, हाँ हमने बहरूपिये को देखा है। आंसर पूरा लिखना है, हाँ हमने बहरूपिये को देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में एक बार बहरूपिये ने किसका रूप धारण किया था। पाठ में आया था ना बहरूपिया, किसका रूप धारण किया था, साधु का। तो इसमें लिखना है, एक बार बहरूपिये ने साधु का रूप धारण किया था। 5th वाला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत पाठ में मानव के किस गुण को उजागर किया गया है। प्रस्तुत पाठ में मानव के किस गुण को उजागर किया गया है। साधु ने क्या किया था, अपने व्यवहार में चेंज लाया था, अपने व्यवहार को बदलकर, एक तो सेवक था पहले और फिर एक साधु बना, लेकिन साधु के रूप में होने के बावजूद भी क्या किया उसने, अपने व्यवहार को साधु के अकॉर्डिंग ढाल लिया। जब सेवक था तो सेवक के अकॉर्डिंग कार्य कर रहा था, और जब साधु बना तो साधु के अनुरूप कार्य कर रहा था। तो इसमें क्या करा, किस गुण को उजागर किया गया है, उसके व्यवहार को। और क्या थी लास्ट में, क्या था, जब वो जेवर सेठ लेकर आया था, धन दौलत लेकर आया था, उसने उसको नहीं लिया, तब उसने क्या किया था, अपनी ईमानदारी को दिखाया था। तो इसमें आ जाएगा व्यवहार और ईमानदारी। प्रस्तुत पाठ में मानव के व्यवहार और ईमानदारी के गुण को उजागर किया गया है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, साथ साथ इनको याद भी कीजिएगा, आपका टेस्ट भी जल्द होने वाला है। जैसे ही आपके लेसन कंप्लीट होंगे आपके टेस्ट भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम कल बात करते हैं। थैंक यू।